देखो दोस्तों, हमारा क्या चल रहा था, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, आप सब कैसे हो? मौज में हो ना? ठीक है, मौज में रहा करो, तैयारी के लगे रहो, कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, और दिशा परीक्षण क्या चल रहा था, हमारा टॉपिक चल रहा था दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट में। मैंने आपको क्या करवाया था, कुछ कुछ करवा भी दिया था, क्या लगभग दो तीन टाइप हो गई थी। ठीक है, शायद एक तो साधारण सिंपल तरीके से, एक वो कोण वाली और एक कौन सी दिशा, यानी कि अंतिम दिशा देकर क्या पूछता था, प्रारंभिक दिशा। अब क्या हमारी नेक्स्ट टाइप चलती है, क्या टाइप फोर। अब टाइप फोर क्या हमारी, वो देखो क्या है, धुआं पर आधारित सवाल। किस के ऊपर? धुआं पर आधारित। धुआं पर आधारित, ठीक है। अब धुआं पर आधारित सवाल किस प्रकार से आते हैं इसमें, कि जैसे कोई ट्रेन उत्तर दिशा में जाएगी, ठीक है, यानी कि कोई ट्रेन पश्चिम दिशा में जा रही है, तो उसकी वो जो धुआं है वो किधर आएगी, पीछे की तरफ, यानी कि पूर्व में आएगी। ठीक है, अगर ट्रेन पश्चिम में जा रही है तो धुआं पूर्व में आएगी, ट्रेन पूर्व में जा रही है तो धुआं पश्चिम में जाएगी, ट्रेन उत्तर में जा रही है तो धुआं दक्षिण में आएगी। पता है ना क्यों? क्योंकि जिस तरफ ट्रेन जाती है उसके विपरीत दिशा में क्या जाती है, धुआं जाती है। आ रहा समझ में? अगर हवा चल रही है, जो कि मान लो हवा, ट्रेन कहाँ जा रही है, पश्चिम में जा रही है, और हवा चल रही है किस तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है। हवा किस तरफ चल रही है, उत्तर से दक्षिण। तो ट्रेन मान लो आपकी यहाँ है, ठीक है, ये किधर, इधर जा रही है, तो हमारी जो धुआं है वो निकल कर कैसे आएगी, ऐसे आएगी। ठीक है, अगर हवा के हिसाब से तो फिर भी क्या हो जाए, धुआं चेंज हो जाए, लेकिन अगर हवा नहीं दे रखी हमें, तो ट्रेन जिस दिशा में जाएगी उसके विपरीत दिशा में क्या आएगी, उसके विपरीत दिशा में क्या रहेगी, धुआं रहेगी। अब धुआं की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, धुआं की दिशा, धुआं की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, रेलगाड़ी जो हमारी, ठीक है, उसकी पहली दिशा और हवा की अंतिम दिशा, जब हवा दे रखी हो तो। रेलगाड़ी की पहली दिशा और हवा की क्या अंतिम दिशा, क्या हवा की अंतिम दिशा, ठीक है। अगर हमसे क्या पूछे, धुआं वाले क्वेश्चनों में धुआं पूछे कि धुआं किस तरफ जा रही है और हवा चल रही हो, तो क्या करेंगे, रेलगाड़ी की पहली दिशा और हवा की अंतिम दिशा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो उतारो क्वेश्चन, देखते हैं फिर, उतारो इसको, काम आएगा। आजकल कैसी ट्रेनें चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें, मेट्रो ट्रेनें, ठीक है, और ये धुआं देती नहीं है, तो लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन कराऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन वाला भी एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तब तक एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन यानी कि एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही है। अगर आपसे
ये पूछ रही है कि रेलगाड़ी उत्तर दिशा में जा रही है तो उसकी धुआं का जो क्या वेग होगा वो किस तरफ होगा। उत्तर में जा रही है तो दक्षिण में, सीधी सी बात है। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि उसी समय हवा का वेग, यानी कि उसी समय क्या चल जाती है, उसी समय हवा चल जाती है, हवा का वेग किस तरफ हो गया, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा की ओर हो गया। हो गया ठीक है। उसी समय हवा का वेग क्या हो गया, पूर्व दिशा की ओर हो गया। तो धुआं की दिशा याद करनी है तो क्या करना है, धुआं की दिशा याद करें। ठीक है, मैंने आपको अभी अभी आपको क्या एक सूत्र करवाया था कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक दिशा धुआं की दिशा ज्ञात करने के लिए, रेलगाड़ी की प्रारंभिक दिशा और हवा की रेलगाड़ी की अंतिम दिशा और हवा है उसकी क्या प्रारंभिक दिशा। तो धुआं के लिए रेलगाड़ी की देखो कहाँ जा रही है, उत्तर में। उसका प्रारंभिक छोर क्या हो गया उत्तर, अंतिम छोर क्या हो गया दक्षिण। ठीक है, तो यानी कि धुआं किस तरफ आ रही है, दक्षिण की तरफ आ रही है। और क्या कहा था मैंने, हवा की प्रारंभिक दिशा, हवा क्या कर रही है पूर्व की तरफ, यानी कि धुआं कहाँ से इधर आ रहा था, लेकिन अचानक हवा चलने से, यानी कि हवा किस तरफ पूर्व दिशा की ओर, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर, तो उसका जो वेग हो गया वो क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, बाकी मैंने अभी आपको क्या बताया था वो सूत्र कि रेलगाड़ी की अंतिम दिशा क्या है, दक्षिण, दक्षिण, और हवा की प्रारंभिक दिशा वो क्या है, पूरब, पूरब। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब। सोचने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है, उतार दो फटाफट। एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा में जा रही है ठीक है, और पूरब की हवा चले तो क्या होगा, दक्षिण पूरब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उतारते रहो साथ के साथ, नोट बनाते रहो दमादम, वीडियो को रोक कर बनाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको सफिशियंट टाइम भी देने लग गया हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा की ओर जा रही है, एक रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, उसी समय क्या आ जाती है, पश्चिम से हवा चलने लगती है, लगती है तो धुआं धुआं किस ओर जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी पूरब की दिशा की ओर जा रही है, और उसी टाइम क्या चलती है, हवा चलने लग जाती है, तो उसकी धुआं की दिशा। मैंने आपको बताया था क्या, यदि रेलगाड़ी पूर्व में जा रही है तो उसकी धुआं है वो किस तरफ होगी, पश्चिम में, यानी कि, और फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसी तरफ से, यानी कि पश्चिम में तो धुआं जा रही है, अगर हवा नहीं चले तो पश्चिम में जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है, हवा चलने लग जाती है, हवा किस तरफ की, पश्चिम से आ रही है, और धुआं किस तरफ जा रहा है, पश्चिम में, तो यानी कि दोनों की टक्कर हुई, तो धुआं किस तरफ जाएगी, किस
इसी भी तरफ न जाकर हाँ वहीं पर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा इसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते इस टॉपिक मतलब इसको कि धुआं किस तरफ जाएगी। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि धुआं का वेग पश्चिम में है और हवा का वेग क्या पश्चिम से पूरब है। इसका मतलब दोनों में टक्कर होगी, टक्कर होगी तो धुआं वहीं पर फैल जाएगी, कुछ उत्तर में दक्षिण में पूर्व पश्चिम ठीक है हर तरफ फैल जाएगी नीचे ऊपर। इसका मतलब हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि कोई फैक्ट नहीं है और निश्चित नहीं है कि हमारे पास जो धुआं है वो किस तरफ जाए। ठीक है उतार लो, उतार लो फटाफट उतार लो। हाँ तो देखो हमारा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, आज तो सारी किस्मत ही खराब हो गई है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही है। किस तरफ जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है। ठीक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन किधर जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है। उसी समय पर हवा चलने यानी कि किधर दक्षिण में जा रही है तो किधर मान लो हवा पूर्व दिशा से हवा चलने लग जाती है। ठीक है उसी समय पूर्व दिशा से हवा चलने लग जाती है तो धुआं की दिशा बताइए। ठीक है बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन दिखने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बोल रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही है। ठीक है उसी समय पर पूर्व दिशा से हवा चलने लग जाती है तो धुआं की दिशा बताइए। हमसे क्या पूछ रहा है, धुआं की दिशा पूछ रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों में, मेट्रो ट्रेनों में, बुलेट ट्रेन में इनमें क्या नहीं होती, इनमें धुआं नहीं निकलती। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से चलती मतलब विद्युत से चलती हैं। तो इनमें क्या आएगा हमारा आंसर, जो पहले क्वेश्चन थे जो अब इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था उनमें किस तरह से वो कोयले से चलने वाली क्या थी रेलगाड़ियां थी, उनमें क्या होता है धुआं निकलता है, इसमें नहीं निकलता। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, कोई नहीं, यानी कि इसकी दिशा पूछी है इसकी धुआं की, तो धुआं की दिशा क्या हो जाएगी, कोई नहीं, यानी कि धुआं की दिशा कुछ नहीं होगी। आ रहा समझ में, तो देखो आज एक तो लाइटिंग की प्रॉब्लम है और एक छोटी सी प्रॉब्लम और है। ठीक है तो आज के लिए शायद इतना काफी है, एक टाइप हो गई, कल फिर मिलते हैं। ठीक है कल फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के साथ, हो सकता है कल करवा भी दो पूरा, नहीं भी होगा परसों हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है हमारे पास टाइम अभी तो। ठीक है तब तक के लिए साथ बने रहना बस, तुम तो एसएससी जीडी का फॉर्म भी भर देना, लास्ट डेट आने वाली है, जैसे हो चुकी है लास्ट डेट, जिन्होंने नहीं भरा तो हो चुकी है शायद। ठीक है तो आज के लिए बस इतना काफी है, एक बार दबा कर शेयर वगैरह कर दिया करो। ठीक है तो देखो दिशा परीक्षण टॉपिक मैंने आपको हमारा क्या चल रहा है, दिशा परीक्षण टॉपिक चल रहा है
मैंने आपको गणपाशा करवा दिया, वर्णमाला करवा दिया, ठीक है, और क्रम परीक्षण करवा दिया, घनपाशा और क्या गणितीय संक्रियाएं हो गई हमारी, मतलब लगभग टॉपिक हो रहे हैं हमारे पास, वो दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब हो गया, यानी कि अब हम किस तरफ हैं, जल्दी हमारा समापन हो जाएगा, मैथ की क्लासे भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, इसके लिए आपका साथ बने रहो बस, बहुत ही जल्द आपकी टेंथ की मैथ भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारे जेवीआर सर किसमें है, थोड़ा बिजी है, तो उनके उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करो ताकि उनका प्रोजेक्ट सफल हो जाए, ठीक है, आ रहा समझ में, बस साथ बने रहना, कंटिन्यू रहना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा रीजनिंग मैथ में, ठीक है। आज के लिए क्या इतना काफी है, थोड़ी लाइटिंग वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम है तो इतना काफी है, कल फिर मिलते हैं, ठीक है, जय हिंद जय भारत।